ए भैया हम बड़ा परेशान बनी अनीता दीदी के घर कहने बात थोड़ा बता दे हम। हाँ ये अनीता दीदी के घर बात बगल में अनीता दीदी के घर खोजत रहा रउआ हमारा के अनीता दीदी के घर बतैने एकरा खातिर रउआ के लाख लाख धन्यवाद भैया। अनीता दीदी घरे बानी? हाँ भैया घरे बानी आओ तानी। प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया का समाचार बा भैया कैसे आईनी हमरा घरे? नहीं दीदी की रउआ बैगन के खेती बैगन के बीज उपचार करके ही करी ने। हाँ भैया रउआ सही सुननी है। यही खातिर आइल बानी दीदी की रउआ से हम बैगन के बीज उपचार करे के बारे में सीखे आ हमहू सीख के बैगन के खेती करब। हाँ ठीक है समय पर आइल बानी भैया। चली भैया हम बैगन के बीज उपचार करे के बताओ तनी। ठीक बा दीदी तो हम बैठो तनी। ठीक बा हम सारा सामान लेके आओ तनी। देखी भैया बैगन के बीज उपचार में इतना सारा सामान लागेला। हमरा के तो बैगन के बीज उपचार करे के बारे में बतैबे करें पहले अपन परिचय दे दी तो बहुत अच्छा हुई। हमार नाम अनीता देवी है घर बढ़निहार हो लक्ष्मी जीविका स्वयं सहायता के सदस्य बानी ब्लॉक नरकटियागंज। हाँ दीदी परिचय तो बहुत अच्छा दीनी। हाँ भैया हम बीज उपचार करे के बारे में बताओ तनी। भैया ये बैगन के बीज 10 ग्राम बा 25 ग्राम केचुआ खाद बाटे। दीदी ई काहे खातिर? बीज में केचुआ खाद मिलावला से बनल बनावल बीज के भोजन मिलेला। ई बा 50 ग्राम मीठा मीठा से पूरा भोजन के पूर्ति होला। ठीक बा दीदी। 20 ग्राम गौमूत्र बा। दीदी एके में कौन जरूरी बा? बीज में गौमूत्र मिलावला से कोनो प्रकार के कीड़ा ना लगे बीज रोग मुक्त हो जाई। अच्छा दीदी ये गौमूत्र मिलाईला से बीज रोग मुक्त हो जाई दीदी? हाँ भैया। ई बा 5 ml बीजामृत बीजामृत मिलावला से बीज में फुदफुदी ना लगी। दीदी मैंने रउआ ये कहे के बा कि बीजामृत डालला से बीज में फफूदी नहीं लगी। हाँ भैया ये सही कहानी रउआ। ई बा 100 ml सुसुम पानी। ई काहे खातिर दीदी? भैया साल भर बीज सुतल रहेला ओकरे के जगावे खातिर सुसुम पानी वही से मिलावल जाला। ठीक बा दीदी। ती कपड़ों के जरूरत होला। देखी भैया है बिया के हम सुसुम पानी में मिलावता नहीं। दीदी सुनसुम पानी में काहे मिलावत है नी? साल भर बीज सूतल रहेला एकरे के जगावेला एकरे के सुसुम पानी में डाले के पड़ेला। सुसुम पानी में बीज मिलावला से ई फायदा बाटे जे अच्छा रही तो नीचे बढ़ जाई आ जौन खराब रही तो ऊपर आ जाई। खराब बीज भैया हम बीग देता नहीं। देखी भैया ये अच्छा बीज नीचे बैठ गए बा मीठा। ये बा केचुआ खाद अच्छा दीदी केचुआ खाद मिला रहा बनी की भैया है हम गौमूत्र मिलाओ तनी। देखी भैया एकरा में हम सब चीज मिला देले बानी अब एकरा के 8 घंटा रख देता नहीं फूले खाते हैदार जगह में रखे जाता नहीं। भैया बैठी भैया 8 घंटा हो गए हम एकरा के छाना तनी। देखी भैया एकरा के हम छान ले बानी एकरा के भरका के
एकरा में बीजामृत मिलावल जाई। अब एकरा में हम बीजामृत मिला रहल बानी भैया। दीदी एमे तो बीजामृत मिला देनी, अब एके का करें? एकरा के भैया बांध तानी जे 8 घंटा खातिर, जे एकरा में अंकुरी मतलब की हो जाई। अच्छा दीदी, यही से एक बनना है कि 8 घंटा रखे एक अंकुरित होके खातिर? सही कहता नहीं भैया। बीज उपचार तो दीदी बहुत अच्छा समझे नहीं, अब ऐसे का लाभ बात नहीं बताई? बीज उपचार कोयला से जड़ मजबूत होई आ ओकरा में कीड़ा ना लगे। दीदी एमे कोनो सावधानियो रखे के बा? सावधानी ये करे के बा जब पानी ज्यादा गर्म ना होके के चाहिए। दीदी किसान दीदी भैया लोगन के कोनो संदेशो देवे के बा? हाँ भैया, सब किसान दीदी भैया से अनुरोध बा, बैगन के बीज उपचार करके अब फिर बोई, नर्सरी बेड लगाई। दीदी हमरा संग है इतना महत्वपूर्ण समय दे के बैगन के बीज उपचार करे के बारे में बताई नहीं, एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। राउर भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया।